तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहोगे तो कहा जाता है एक ट्यूबवेल है जिसका मास मान लो ये कुआं है, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है ऐसे पाइप के हेल्प से, और उस पानी की कुछ वेलोसिटी दी जा रही है जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ से, और जो मास है पर सेकंड जो बाहर आ रहा कुएं से, जो पानी पर सेकंड बाहर आ रहा भाई, वो डीएम डीएम ओवर डीटी थी ना, पर सेकंड जो आ रहा है वो 240 केजी पर मिनट से, ठीक ना, पर मिनट से। तो पर मिनट्स को पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डीएम ओवर डीटी जो है वो पर सेकंड इतना, और छः चौके यहाँ से 24, तो यहाँ से आ जाएगा ये 40 केजी ऑफ वाटर पर सेकंड ये ट्यूबवेल बाहर निकाल रहा है, और ये कांस्टेंट स्पीड भी दे रहा है। तो ये कहते हैं पावर। अब बेसिक फार्मूला क्या है बच्चों पावर का? तो पावर का जो फार्मूला मैं पढ़ाया हूँ, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डब्ल्यू ओवर डी टी, और ये जो वर्क डन है दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से डी ओवर डी टी और ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है डी ओवर डी टी वो आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। सिंस वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो स्पीड है यहाँ, तो स्पीड भी का स्क्वायर, और यहाँ से तुम देखोगे टू यहाँ से बाहर आ गया, और डी एम ओवर डी टी वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना, वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 × 3 है, और यहाँ से 2, और यहाँ से डी एम ओवर डी टी मास जो है वो यहाँ से आ रहा ये 60, तो ये आ रहा है 40, ये पूरा कट के आ गया 40, तो ये जो 40 आ गया तो यहाँ से ये 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 9 और 180, यहाँ से आ जाएगा वाट, दिस इज पावर विल बी 180 वाट, दैट इज़ बी ऑप्शन, मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखो।